हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैश किचन। आज हम बनाएंगे उत्तराखंड की फेमस डिश फाणू, जिसे फाणा भी कहते हैं। इसे मैंने काले चने से बनाया है, जो कि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। इससे पहले मैंने गैर दाल का फाणा भी बनाया है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। काले चने का फाणा बनाने के लिए हमें चाहिए रात भर भीगे हुए काले चने आधा कप, लहसुन की कलियाँ 3 पीस, अदरक 1 इंच, हरी मिर्च 2 पीस, नमक 1.5 टीस्पून या स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जखिया आधा टीस्पून, साबुत लाल मिर्च 2 पीस, चॉप किया हुआ प्याज 1 पीस, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, चॉप किए हुए टमाटर 1 पीस, सरसों का तेल 4 टेबलस्पून, पानी 3 कप। सबसे पहले भीगे हुए चने का एक्सेस पानी निकाल लें। अब एक ग्राइंडर जार लें, इसमें काले चने डालें। आप चाहें तो इसकी जगह सिलबट्टे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालें और इसे दरदरा सा पीस लें। अगर ज़रूरत लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें। ध्यान रखें, इसे दरदरा ही पीसना है और ज़्यादा पानी का इस्तेमाल भी नहीं करना है। अब आधा पेस्ट एक प्लेट में निकाल लें। अब इसमें आधा टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर डालें। इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप ये दाल सिलबट्टे में पीसेंगे तो इसका स्वाद और भी अच्छा आएगा। पहाड़ों में सिलबट्टे का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक मिक्सिंग बोल लें, इसमें बाकी बचा हुआ मिक्सचर डाल लें। अब इसमें पानी डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ग्राइंडर से भी बचा हुआ पेस्ट अच्छे से निकाल लें। इसमें पानी डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें मैंने लगभग 3 कप पानी डाला है। अगर आपको लगे तो आप थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। अब लो फ्लेम पर तवा गरम कर लें। इसके ऊपर 1 टीस्पून तेल डाल दें और अच्छे से स्प्रेड कर लें। अब इसके ऊपर मिक्सचर डालें। आप चाहें तो हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पहाड़ों में लोग हाथों से बना लेते हैं। इसे इवनली अच्छे से स्प्रेड कर लें। ये देखिए अच्छे से हो गया है। इसे पटोड़ी कहा जाता है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी होती है। इसे दबा दबा कर इस तरह से फ्राई कर लें और डार्क ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। पहाड़ों में सरसों का तेल का ही इस्तेमाल ज़्यादा होता है। आप चाहें तो इस रेसिपी को रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। ये बन चुकी है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लें। अब एक लोहे की कढ़ाई में तेल डालकर मीडियम फ्लेम पर गर्म होने रख दें। अब इसमें लाल मिर्ची डालें और इसे अच्छे से फ्राई कर लें। इसे भुनी मिर्च कहा जाता है, जो ऊपर से डाली जाती हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। इसे अच्छे से फ्राई कर लें। ये हो चुकी हैं, अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लें। अब इसमें पहाड़ों का फेमस तड़का जखिया डालें और इसे क्रैकल होने दें। अगर आपको जखिया ना मिले तो आप जीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें प्याज डालें और इसे स्टर करें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें
और इसे अच्छे से स्टर कर लें। यहाँ मैंने पेस्ट का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास सिलबट्टा है तो इसे दरदरा सा सिलबट्टे में ही पीसें, इससे उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। लाइट गोल्डन कलर होने तक इन्हें फ्राई कर लें। अब इसमें टमाटर डालें, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालें, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। जब मसाला तेल छोड़ने लग जाए तो इसमें दाल का मिक्सचर डाल दें और अच्छे से स्टर करें। ध्यान रखें दाल में बीच में गांठें नहीं पड़ने चाहिए, इसे लगातार स्टर करते रहें। इस तरह से इसे लगातार स्टर करते रहें। अब जब इसमें उबाल आ जाए तो गैस का फ्लेम कम कर दें। पंद्रह से बीस मिनट तक इसे उबलने दें। बीच बीच में इसी तरह से स्टर करते रहें ताकि दाल नीचे ना लगे। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसमें खुशबू भी आने लग गई है। अब 20 मिनट बाद पटौड़ी को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर फाणू में डाल दें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसे 2 मिनट तक उबलने दें। लीजिए काले चने का फाणू तैयार है। गैस का फ्लेम बंद कर दें। इसे गर्मा गर्म चावल या फिर रोटी के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।